त्योहारों में लूट, छिनौती, महिलाओं बालिकाओं के साथ छेड़खानी सहित अन्य घटनाओं के मद्देनजर शहर के भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भारी पुलिस बल मुस्तैद किया गया। साथ ही महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह मैफोर सहित शेरनी दस्ता शहर में भ्रमणशील रहकर पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। इस संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुब ने बताया कि नगर क्षेत्र में भारी पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से तैनात है। वहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी और अन्य घटनाओं के लिए महिला थाने की टीम और शेरनी दस्ता भी गश्त कर रहा है। बाजारों में भी सादे कपड़े में महिला टीम को लगाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा दीपावली को देखते हुए नगर क्षेत्र में स्थानीय पुलिस की तो ड्यूटियां लगाई गई हैं, साथ में पीएसी तथा बाहर की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं और अतिरिक्त ड्यूटियों के साथ साथ पीआरवी को भी ब्रीफ किया गया है। नगर क्षेत्र में लगभग 82 जगह पे पिकेटिंग की जा रही है और लगातार गश्त भी जा रही है। सभी अधिकारियों द्वारा कमांडर सर के निर्देशानुसार गश्त की जा रही है और जहाँ कहीं भी जनता को किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा हो पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी और जनता के सहयोग में लगातार तत्पर खड़ी रहेगी। और अगर किसी को भी किसी प्रकार की आवश्यकता हो अपने स्थानीय थाने अपने क्षेत्राधिकारी अथवा मुझसे अथवा कप्तान साहब से सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। महिला सुरक्षा को देखते हुए शेरनी दस्ता हमारे जनपद में चलाया गया था जिसमें लगभग 80 एक्टिवा 80 स्कूटर चलाई गई हैं जिसमें दो दो महिला आरक्षी हैं। वे लगातार भीड़ वाले समय पर हमारे द्वारा कई जगह पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे जहाँ पर पूर्व में अगर कहीं घटना हो रखी वहाँ पर उनके द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही महिला SHO थाना द्वारा महिला थाना के SHO द्वारा भी लगातार भ्रमणशील रहा जा रहा है। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थल नौका विहार है, वहाँ पे सुबह और शाम एंटी रोमियो स्क्वाड की गाड़ियाँ और
महिला थाने की गाड़ियाँ सुबह शाम दोनों समय जा रही हैं। तो हम हर तरह से तैयार हैं और जनता से अधिक सहयोग की अपेक्षा है कि जहाँ कहीं भी उनको पुलिस की आवश्यकता हो तत्काल पुलिस से संपर्क करें ताकि हम त्वरित कार्रवाई करके सहयोग दे सकें। नहीं, पटाखों को लेकर शासन से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उसका अनुपालन करवाया जा रहा है और सभी जगह से सहयोग भी मिल रहा है। इसी क्रम में कई जगह पे जहाँ पे अवैध भंडारण अथवा विक्रय की चीज़ें मिली थी वहाँ पे हमारे द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है। काफ़ी कई लाखों के पटाखे बरामद किए गए हैं और मुकदमे लिखे गए हैं। कोतवाली सर्कल में हमारे 3 मुकदमे लिखे गए हैं जिनमें हम अधिक से अधिक जहाँ पे भी भंडारण गलत हो रहा था वहाँ किया गया। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ हमारे CO कोतवाली द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई, भविष्य में भी जारी रहेगी।